सुपर क्लास, सुपर, द कीवर्ड सुपर, द इनहेरिटेंस सुपर कीवर्ड इज यूज्ड टू कॉल कंस्ट्रक्टर ऑफ ए सुपर क्लास. नाउ इन माय एग्जांपल आई हैव टेकन अ क्लास बी व्हिच इज इनहेरिटेड बाय क्लास वेट. आई हैव टेकन टू क्लासेस हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव इन सुपर क्लास द कंस्ट्रक्टर इज बॉक्स एंड सेकंड वन इज ऑल्सो अ बॉक्स. इन इनहेरिट बाय इनहेरिटिंग बाय क्लास वेट देर इज अ कंस्ट्रक्टर वेट एंड वेट. दो कंस्ट्रक्टर सुपर क्लास में है और दो कंस्ट्रक्टर सब क्लास में है. इन सब क्लास कंस्ट्रक्टर आई हैव टेकन अ पैरामीटर लाइक दिस. नाउ इफ आई हैव टू यूज कीवर्ड सुपर व्हाट शुड आई हैव टू डू. आई हैव टू राइट सुपर इन ब्रैकेट डब्ल्यू एच एंड डी विच कॉल्स द कंस्ट्रक्टर ऑफ ए सुपर क्लास. यानी कि यहाँ पर मुझे हर वक्त यही लिखने की जरूरत नहीं है. वेट इज इक्वल टू डब्ल्यू, हाइट इज इक्वल टू एच, डेप्थ इज इक्वल टू डी एंड वेट इज इक्वल टू एम, ये लिखने की जरूरत नहीं है. वो लिखने की मेहनत बच जाती है बाय यूजिंग सुपर कीवर्ड. सुपर कीवर्ड से क्या होता है कि डायरेक्टली जो सुपर क्लास में सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल कर देता है जो भी वैल्यू ऊपर से लेनी है उसको. इन अनदर एग्जाम्पल, इन अनदर कंस्ट्रक्टर लुक हियर, आई हैव टेकन डबल लैन एंड डबल एम. मीन्स लैन इज कॉल्ड बाय द सुपर क्लास बाय यूजिंग कीवर्ड सुपर. क्लियर. एंड इन मेन मेथड वी हैव टू क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए सब क्लास वेट डबल वन इज इक्वल टू न्यू बाय यूजिंग दिस बाय यूजिंग पैरामीटर लाइक दिस. नाउ आई हैव टेकन एन अनदर वेरिएबल डबल वॉल्यूम. Volume is equal to d1.volume which prints the volume by these values. And I have printed the weight like using this keyword class name dot, sorry, object name dot जो भी variable है उसका name. By running this program we have given the following output. Thank you.